डलहौजी शहर में कल लगभग 2 फीट बर्फ गिरी। पर्यटक पहले से ही क्रिसमस मनाने और नव वर्ष मनाने के लिए डलहौजी पहुंचे हुए थे। नव वर्ष से पहले बर्फ गिरी देखकर लोगों में और पर्यटकों में खुशी का माहौल पैदा हो गया और वह बर्फ देखकर अपने आप को धन्य मानने लगे। इस बर्फबारी के बाद बाहरी राज्यों से इस बर्फ को देखने के लिए अब और पर्यटकों का तांता लग जाएगा। आज जबकि बर्फ नहीं पड़ी परंतु बर्फ की वजह से फिसलन बढ़ गई है और स्थानीय लोगों और पर्यटकों की गाड़ियां जाम में फंस गई है जिसे वह बर्फ से निकालते दिखे। वहीं दूसरी ओर फिसलन भी बढ़ गई है जिसमें वाहन, स्थानीय लोग और पर्यटक फिसलते नजर आए। तापमान काफी गिर गया है और ठंड बढ़ गई है। बिजली और पानी की समस्याएं भी आ रही हैं जिसे प्रशासन साथ साथ में दूर कर रहा है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने भी पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है कि वह इस बर्फबारी के मौसम में सावधानी से रहें और सतर्क रहें। यह संयोग ही है कि काफी सालों बाद नव वर्ष से पहले बर्फ पड़ी है जिसका पर्यटक बर्फ से होने वाली मुसीबतें उठाने के बाद भी आनंद उठा रहे हैं। Don't